Students, Vishnu lecture English here. We will discuss the lesson. Let's not forget the martyrs. This is written by Vandana Sehgal. Students, all the lessons in your book are added to enhance your knowledge. And we have discussed earlier the lesson, the earth's not ours, that is about our environment and atmosphere. And this lesson is about the martyrs, and it's important to listen it completely and watch the video and try to understand the lesson. I will also tell the answers of questions side by side. So let us start. Panvi Chakra is the highest gallantry award instituted by the government of India to be conferred on those soldiers who display exemplary courage and bravery in their fight for the honor, dignity and the protection of their motherland. Panvi Chakra the बहादरी का इनाम है जिहड़ा कि भारत की सरकार ने उन्हां सिपाहियों के लिए दिता जांदा है जिन्हां ने बहुत ज़्यादा करन वाला हौसला अते बहादरी दिखाई होवे अपने सन्मान ते इज्जत की राखी करदे होए अते अपनी मातृभूमि की राखी करदे होए। वी कैन स्लीप इन पीस ओनली बिकॉज ऑफ द अलर्ट प्रेजेंस ऑफ द सेंटिनल्स एट द बॉर्डर्स ऑफ अवर कंट्री। असी शांति नाल इस करके सो सकते हाँ क्योंकि साडियां देश दियां सरहदां ते ये पहरेदार स्थापित हन। द सर्विस बिलो डिस्क्राइब द हीरोइक रेसिपिएंट्स ऑफ दिस ग्रेट ऑनर। शॉर्ट फॉर्म ऑफ अ राइटिंग बिलो रिटन पीस सानू ये दसदा है इन्हां दे हीरोइक कारनामे दे बारे जिन्हां नूं के ग्रेटेस्ट ए ऑनर मिलिया। दे ले डाउन देयर लाइव्स बट चेंज द कोर्स ऑफ द वॉर थ्रू देयर ग्रेट डिस्प्ले ऑफ करेज बाय इनफ्लिक्टिंग हैवी लॉसेज अपॉन द फोर्स। जीवन कुर्बान कर दिता पर उन्होंने युद्ध का ता बदल दिता अते उन्होंने अंथक हौसला दुश्मनों नूं बहुत भारी नुकसान पहुँचाया। मेजर सोमनाथ शर्मा फर्स्ट ऑफ दीज हीरोज वॉज द फस्ट रेसिपिएंट्स ऑफ पद्मवीर चक्कर। मिस्टर सोमनाथ शर्मा पहला इसनों के परमवीर चक्र मिलिया। द हाईएस्ट इंडियन गैलेंट्री अवार्ड ही वॉज अवार्डेड द मैडल पोस्ट ह्यूमसली मीनिंग मरणोपरंत फॉर हिज ब्रेवरी इन द कश्मीर ऑपरेशन इन नवंबर 1947। उसनों मरण उपरंत यह बहादरी का इनाम दिता गया जिहड़ा कि उसने कश्मीर के युद्ध में नवंबर 1947 मिलिया। ही डाइड वाइल विक्टिंग पाकिस्तानी इनफिलेटर्स एंड रेडर्स फॉर्म श्रीनगर एयरपोर्ट। वो पाकिस्तान के घुसपैठिए अते छापा मारा नूं श्रीनगर एयरपोर्ट ते रोकदा होया कुर्बान होया। ड्यूरिंग द इंडो पाक वार ऑफ 1947-48 इन कश्मीर 1947-48 का युद्ध जिहड़ा कि कश्मीर में होया। ही बिलोंग टू द कमाऊ रेजिमेंट उसका संबंध चौथी कमाऊ रेजिमेंट दे नाल। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर लैसन इज नेम द फाइव रेसिपिएंट्स ऑफ द पद्मवीर चक्र मैंशन द लैसन। लेट अस नॉट फॉरगेट द मार्टियर्स। हेयर वी टू टेल द फाइव नेम्स विच विल बी क्लियर आफ्टर रीडिंग द लैसन। हाउ एवर आई एक्सप्लेन यू। फर्स्ट इज मेजर सोमनाथ शर्मा। सेकेंड इज लेफ्टिनेंट कॉलोनल तान सिंह थापा। थर्ड हवलदार अब्दुल हमीद। Flying Officer Nirmaljit Singh Sekho and Captain Vikram Batra. I have explained these numbers with the help of letters A to E. First one is Major Somnath Sharma. And the second question, when and where did Major Somnath Sharma die? Major Somnath Sharma was the first recipient of Pamvir Chakra, the highest Indian gallantry award. He was awarded the medal posthumously for his bravery in Kashmir operation in November 1947. He died while evicting Pakistani infiltrators and raiders from Srinagar airport. Up to this, Major Somnath Sharma was born on 31st January 1923 at the Kangra, Himachal Pradesh. Major Somnath Sharma da janm Kangra de vich Himachal Pradesh vich hoya. He came from a well-known military family. His father, Major General Amarnath Sharma, was also a military officer. Unna de pita, Major General Amarnath Sharma, vi military officer son. His company was airlifted to Srinagar on 31st October 1947. Unna di company nu Srinagar bheja gaya 31 October 1947 nu. His right hand was in a plaster cast as a result of injuries in the hockey field previously. Unna de upar plaster chadeya hoya si kyunki ode satt lag chuki si
हॉकी के फील्ड विचों बट ही इंसिस्टेड ऑन बीइंग विद हिज कंपनी इन कंबैट एंड वॉज गिवन परमिशन टू गो पर उसने अपनी कंपनी नाल युद्ध में जाने का फैसला किया। 3 नवंबर 1947 मेजर सोमनाथ शर्मा कंपनी वॉज ऑर्डर ऑन फाइटिंग पेट्रोल टू बड़गाम विलेज इन द कश्मीर वैली। 3 नवंबर 1947 मेजर सोमनाथ शर्मा की कंपनी कश्मीर घाटी के बड़गाम विलेज जाने का हुक्म दिता गया। A tribal lashkar of 700 raiders approached Badgaon from the direction of Gulmarg. Ek tribal lashkar 700 chapa maranda si jehda ke Badgaon pahunch gaya Gulmarg de raste rahi. The company was soon surrounded by the enemy from three sides ate jaldi hi company nu tinna paya and sustained heavy casualties from the ensuing mortar heavy fire and outnumber 7-1 Somnath urged his company to fight bravely. Sattan vichon ik vyakti reh gaya Somnath ne apni company nu bahaduri naal ladan da layi kiya, often exposing himself to danger as he ran from post to post. Sathe usne apne aap nu khatre vich paya jadon ik post to dooji post wal daude. When heavy casualties adversely affected the firing power of his company, jadon असाधारण बंबारमेंटा ने कैजुअलिटीज़ ने मौत ने उसकी कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान बावजूद विद इज़ राइट हैंड इन प्लास्टर सज्जे हाथ प्लास्टर के बा टुक अपॉन हिमसेल्फ द टास्क ऑफ फिलिंग द मैगजीन एंड इशिंग दैम टू मैन उसने मैगजीन को भरन का उन्होंने आदमियों को देने का काम संभालिया। ऑपरेटिंग लाइट मशीन गन और लाइट मशीन गन रहे सन। थर्ड क्वेश्चन हाउ डिड मेजर सोमनाथ फेस द मॉर्टर फायरिंग फ्रॉम द एनमी दिस नंबर This is the answer to third question and up to this. So he fought bravely. While he was busy fighting the enemy, a mortar shell exploded on the ammunition near him. Jadon ki oho dushman naal ladan de vich vyast si, usde nede de gola barood de ter de upar ik. His last message to brigade headquarters before he was killed was, उसका अखीरला मैसेज अपने ब्रिगेड हैडक्वार्टर उसके मरण तो पहला से द एनमीज आर ओनली 50 yards फ्रॉम अस दुश्मन साढ़े तो 50 गज की दूरी पर है। वी आर अंडर डिवास्टेटिंग फायर असी बुरी तरह तबाही दे हेठ हाँ। आई शिल नॉट विदड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू अवर लास्ट मैन एंड अवर लास्ट राउंड मैं एक इंच भी पिछे नहीं हटाँगा बल्कि मैं अपने अखीरले आदमी और अखीरले राउंड तक लड़ाँगा। दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ Major Somnath Sharma and you have to learn these words, you have to remember these. Next, by the time the Leaf Company of 1st Battalion Kamaur Regiment reached Badgaon, jadon tak ke 1st Battalion Kamaur Regiment di Badgaon pahunchi, the position had been overrun. Sthiti badal chuki si, ta halat bahut kharab ho chuki si. However, the 200 casualties suffered by the enemy made them lose their impetus to advance. ਭਾਵੇਂ ਕਿ 200 ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇੰਪੀਟਸ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੂਪਸ ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਫਲਿਊ ਟੂ ਇਨ ਟੂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਏਅਰਫੀਲਡ ਐਂਡ ਬਲੋਕਡ ਆਲ ਰੂਟਸ ਟੂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨ ਦਿਸ ਮੈਨਰ ਸੋਮਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਡ ਦਾ ਫਾਲ ਆਫ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਜਰ ਸੋਮਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਰੀਅਰ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਪੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਪੰਵੀਰ ਚੱਕਰ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਕਰਨਲ ਤਾਨ ਸਿੰਘ ਥਾਪਾ ਜੈਨ ਪੀ ਵੀ ਸੀ ਵਾਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਮੇਜਰ ਇਨ 1st ਬਟਾਲੀਅਨ 8th ਗੋਰਖਾ ਰਾਈਫਲ ਰੈਜੀਮੈਂਟ। ਕਰਨਲ ਤਾਨ ਸਿੰਘ ਥਾਪਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਮੇਜਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਖਾ ਰਾਈਫਲ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਔਨ 28 ਅਗਸਤ 1949 ਐਟ 6 ਔਨ 20 ਅਕਤੂਬਰ 1962 28 ਅਗਸਤ 1949 ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਕਤੂਬਰ 1962 20 ਅਕਤੂਬਰ 1962 ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਦ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਓਪਨ ਦਾ ਬੈਰੇਜ ਆਫ ਆਰਟਰੀ ਐਂਡ ਮੋਟਰ ਫਾਇਰ ਓਵਰ ਸ਼੍ਰੀ ਚੂਸ਼ਲ ਏਅਰਪੋਰਟ ਇਨ ਲੱਦਾਖ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਚੂਸ਼ਲ ਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ੍ਰੀ ਜਾਪ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟਿਲ 8:30 8:30 ਤੱਕ ਗੋਲਾਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਐਂਡ ਦ ਹੋਲ ਏਰੀਆ ਵਾਜ਼ ਸੈੱਟ ਅਬਲੇਜ਼ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਮ ਸ਼ੈਲਸ ਫੈਲ ਔਨ ਦਾ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਐਂਡ ਡੈਮੇਜ ਦਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੈੱਟ ਕਮਾਂਡ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੈੱਟ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਿਆ।
and we are now talking about Mr. Tan Singh Thapa. Fourth question, in which war did Lieutenant Tan Singh Thapa distinguish himself as a great soldier? Colonel Tan Singh Thapa distinguished himself as a great soldier. Indochina War of 1962, Shrija Post near the Chushul Airport in Ladakh. Chinese then attacked in overwhelming numbers. Phir Chinese ne bahut zyada ginti de naal hamla kar ditta. Major Thapa and his men repulsed the attack. Major Thapa te usde aadmiyan ne hamle da muh tod jawab ditta, inflicting heavy casualties on the enemy ate dushman da jani nuksan kita. The Chinese mounted another attack in greater numbers after shelling the area with artillery. Is to baad Chinese ne phir hor attack kita ते गोलाबारी की तोपखाने के नाल ते मोर्टर फायर दे बंबा दे नाल बहुत ज़्यादा गोलाबारी की. मेजर थापा वंस अगेन रिपल्स द अटैक. मेजर थापा ने एक बार फिर हमले का दमू तोड़मा जवाब दिता, इनफ्लिक्टिंग हैवी लॉसेस ऑन द चाइनीज़. चाइनीज़ बहुत ज़्यादा नुकसान किया. अ शॉर्ट वाइल लेटर अ थर्ड चाइनीज़ अटैक इनक्लूडेड टैंक्स इन सपोर्ट ऑफ द इन्फेंट्री. थोड़े समय बाद तीसरा चाइनी हमला होया, टैंक आ गए. द डिफेंडर्स वर वीकेंड बाय द कैजुअल्टी सफर्ड इन अर्लियर अटैक. वाले कमज़ोर हो चुके सन पहला दे जानी नुकसान नाल, बट हेल्ड आउट वाइल द एमिनीशन लास्टेड. पर वह उत्थे ही दृढ़ रहे जब तक के गोला बरूद उन्हां कोल रहा. वैन द चाइनीज़ फाइनली ओवररैन द पोस्ट. जदों चाइनीज़ ने अखीर विच पोस्ट उपर कब्जा कर लिया, मेजर थापा जंप्ड आउट ऑफ हिज ट्रेंच एंड किल्ड मैनी इंट्रूडर्स इन हैंड टू हैंड फाइटिंग. मेजर थापा अपनी खाई विचों कूदे अते उसने बहुत कई घुसपैठियां नूं हथों हथ लड़ाई विच मार दिया. एवेंचुअली ओवरपावर्ड एंड कैप्चर्ड. अंत विच उसनूं पकड़ लिया गया अते बंदी बना लिया गया. मेजर थापा हू वॉज अवार्डेड द पवनवीर चक्कर वॉज बिलीव टू हैव बीन किल्ड इन दिस एंगेजमेंट. मेज करने वाले थापा सी कि वह इस लड़ाई विच मारे गए. बट ही वॉज लेटर डिस्कवर टू हैव बीन टेकन प्रिजनर. पर बाद विच पता चला कि उन्होंने कैदी बना लिया गया. आफ्टर हिज रिलीज फ्रॉम द POW कैंप ही रिज्यूम्ड हिज मिलटरी लाइफ दे नाल अपना मिलटरी कैरियर छड़ दिता. ही रिटायर्ड एज लैफ्टिनेंट कॉर्नर एंड डाइड इन सितंबर 2005. और लैफ्टिनेंट कॉर्नर रिटायर होए 2005 विच ओनली डैथ. मेजर थापा स्कूल करेज कंस्पिक्यूस फाइटिंग. मेजर थापा का हौसला शानदार युद्ध कला वर इन द हाईएस्ट ट्रडिशनस ऑफ अवर आर्मी और उसकी लीडरशिप साड़ी आर्मी हाईएस्ट ट्रडिशनस के विचों एक सन. नाउ द फोर आंसर टू द फोर्थ क्वेश्चन, इन विच वॉर डिड लैफ्टिनेंट तान सिंह थापा डिस्टिंग्विश हिमसेल्फ एज अ ग्रेट सोल्जर. एंड द थर्ड हीरो ऑफ अवर लेसन इज हवलदार अब्दुल हमीद. ही वॉज अ सोल्जर इन द फोर्थ बटालीयन द ग्रनेडियर्स ऑफ द इंडियन आर्मी. और इंडियन आर्मी की फोर्थ बटालीयन ग्रनेडियर्स के विच सोल्जर से हू डाइड इन द खेमकरन सैक्टर ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर ऑफ 1965. जिहड़ा 1965 के युद्ध विच खेमकरन सैक्टर विच मारिया गया. ही वॉज अ पोस्ट फेमस रिसीपेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया हाईएसट मिलटरी डेकोरेशन द पामवीर चक्रा. और भारतीय गणतंत्र के सब तो हाईएसट सन्मान पामवीर चक्र प्राप्त करने वाले मौत उपरंत प्राप्त करने वाले विचों एक सन. एंड द फिफ्थ क्वेश्चन, हवलदार अब्दुल हमीद इज नोन एज अ किलर ऑफ टैंक्स. वाइस इज द स्टार्टिंग ऑफ द आंसर. हवलदार अब्दुल हमीद वॉज अ सोल्जर इन द फोर्थ बटालियन द ग्रनेडियर्स ऑफ इंडियन आर्मी हु डाइड इन खेमकरन सेक्टर ड्यूरिंग द इंडो पाक वॉर ऑफ 1965. आंसर टू द फिफ्थ क्वेश्चन, हवलदार अब्दुल हमीद खान वॉज अ सोल्जर इन द फोर्थ बटालियन द ग्रनेडियर्स ऑफ द इंडियन आर्मी. And the remaining part of this answer from the next passage in the next video. Good luck to all.